नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इस समय गेहूं का सीजन चल रहा है और हर तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि इस बार पैदावार कम है, तो भावों को लेकर भी लोगों के मन में आशंका बनी हुई कि क्या तेजी रहेगी, क्या मंदी रहेगी। और इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश जी राठी। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। तो अविनाश जी, इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है गेहूं के बाजार में? देखिए, गेहूं की फसल इस बार उम्मीद थी कि पिछले सालों के मुकाबले बहुत बढ़िया होने वाली थी, क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहा, बुआई भी बहुत प्रॉपर हुई है, सब कुछ हुआ है। पर कुछ फसल के पहले कुछ बारिशों से गुजरात और मध्य प्रदेश में क्वालिटी में नुकसान हुआ है, क्वालिटी डैमेज हुई है। हरियाणा, पंजाब और गंगानगर बेल्ट का माल अब चालू हुआ है धीरे धीरे आना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें देखना पड़ेगा गेहूं के बाजारों के बारे में, कि सरकार की नीति क्या है और सरकार किस तरीके से गेहूं की फसल को लेती है, क्योंकि एक एसेंशियल कमोडिटी है और मेरे ख्याल से गेहूं के अलावा हम लोग और कुछ खाते भी नहीं है भारतीय। तो सरकार ने इस पर पूरा नियंत्रण रखा हुआ है पिछले पूरे एक साल से। इन्होंने आप ये मान के चलें कि स्टॉक लिमिट व्यापारियों के ऊपर लगाई हुई है, सिर्फ इसलिए कि भावों को वो नियंत्रण रखें। पहली बार सरकार के पास स्टॉक बहुत कम रहा है, जो इनका मेन जो टारगेट था इस बार ये था खरीद का, कि भाई कम से कम 350 से 400 लाख टन इनको प्रिक्योर करना था, ताकि आने वाले PDS के और इनकी जो भी जन कल्याण की योजना है उसमें इसको ले सकें। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ रेटों को नियंत्रण करने के लिए स्टॉक लिमिट लगा रखी थी। अभी इन्होंने एक नया जो एक सूचना दी है भारतीय सरकार ने, भारत सरकार ने, कि आपको स्टॉक हर सप्ताह ऑनलाइन अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट निगाह रखेगी कि आपके पास स्टॉक कितना है। 31 मार्च आपने क्लोजिंग क्या किया, 1 मार्च को आपके पास ओपनिंग क्या था, और अब आप हर महीने जो प्रिक्योर कर रहे हैं, हर वीकली जो प्रिक्योरमेंट हो रहा है, वो आपको पूरी रिपोर्ट देनी है। तो गवर्नमेंट पूरी वॉचफुलनेस के साथ है। प्रोडक्शन एक अलग पार्ट है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भावों को नियंत्रण करने के लिए हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को नियंत्रित करती है तो उसमें भाव एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो हम ये मान के चलें कि अगर जहाँ तक रेट्स की आप बात करते हैं, मार्केट ट्रेंड की आप बात करते हैं, तो गवर्नमेंट इसको ज़्यादा तेज़ नहीं होने देगी। लोकसभा के चुनाव हैं और जून तक सारी चीज़ें फाइनल होगी, सरकार बनेगी। तो जो पीक सीजन है, इस सीजन में मेरे को नहीं लगता कि कोई तेज़ी आने वाली है ज़्यादा। 100-150 रुपये का एक वेरिएशन चलता है, तो वो खर्चे उसके ऊपर इतने लग जाते हैं कि वो अपने आप हो जाता है। बात बची क्वालिटी की, मध्य प्रदेश की क्वालिटी इस बार हल्की है, अच्छी क्वालिटी का गेहूँ इस बार। खुशी की बात है कि हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा में बहुत अच्छी क्वालिटी इस बार गेहूं की हुई है। कलर बहुत अच्छा रहा, क्लाइमेट ने बहुत सपोर्ट किया, सर्दी बहुत अच्छी थी इसलिए दाने की मोटाई भी अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है, कलर बहुत, पहली बार इतना अच्छा कलर आया है। तो यहाँ के माल की डिमांड अच्छी है, और जो भाव मंडियों में इस वक्त जो 2700-2800 वो क्वालिटी के कारण है। जो सीधा गेहूं को, आखा गेहूं जो आज भी खरीदते हैं, मैं मान के चलता हूं कि भारत में 20% या 15% लोग ऐसे हैं जो अभी भी गेहूं खरीद के आटा बना के खाते हैं। तो वो जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए वो गेहूं वो बेस्ट क्वालिटी का उनको चाहिए, तो वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो वो बाज़ार तेज़ सिर्फ इसलिए है। मील क्वालिटी की जो पोजिशन है वो 2300-2350 लूज मंडियाँ बिक रही हैं। सपोर्ट प्राइस 2400 तो है, पर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि 2275 का भुगतान तो अभी करेगी और बोनस शायद बाद में देगी, एक कन्फ्यूजन है। इसलिए किसान 2300-2350 तक माल को FCI को नहीं तोल रहा है। राजस्थान का जो ट्रेंड है, गंगानगर में हो सकता है वो माल तोले, पर हाड़ौती में माल नहीं जा रहा है। तो कुल मिला के गेहूँ का मिला जुला रुख है, मिला जुला सीन है। गवर्नमेंट के हाथ में कोई चीज़ कंट्रोल में है तो उसमें तेजी की संभावना फिर नहीं रह जाती है। पर जो भाव मंडियों में चल रहे हैं उससे तो मार्केट में रेट करीबन 300-400 रुपये ज़्यादा है। नहीं, मार्केट में जो बिकती है गेहूं वो एक के बाद एक, क्योंकि इसमें बिलिंग होती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बिलिंग होती है, सब अपने अपने प्रॉफिट्स उसमें होते हैं, खर्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्लीनिंग चार्जेस, पैकिंग के चार्जेस, कई सारी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं। रिटेल में जब आप आज मंडियों के जो भाव हैं
और एक रिटेल में आप उसको क्लीन्ड उसमें शेप में लेंगे तो यहाँ के खर्चे जो लगते हैं, आज 2300 के ऊपर कम से कम 200 रुपये कुंटल का खर्चा मंडी में लगता है, उसके बाद उसको क्लीनिंग प्रोसेसिंग करके जब वो सेल करेगा तो निश्चित रूप से उसमें 200-300 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो वो तो एक नेचुरल बात है कि कोई भी चीज़ जो कच्ची मंडियों में किसानी माल और फिनिश गुड्स दोनों में इतना वेरिएशन आता है, खर्चे उसमें ओवरहेड्स इतने हैं। तो जैसे अब आखाती जाने वाली है, गेहूँ का प्रेशर भी आएगा, तो क्या स्तर रेंज का अनुमान है? गेहूँ का एक ये बेस बॉटम लाइन है 2300 रुपये की जो रेंज है, इससे नीचे गेहूँ जाने की उम्मीद नहीं है और ना जाएगा, क्योंकि किसान ने ये जज कर लिया कि 2400 रुपये की गवर्नमेंट की प्राइस है और इसी रेट के एटे बेटे उसको माल को बेचना है। और किसान दे आर स्मार्ट है ना, उनको मालूम है कि हमें कब कौन सी चीज़ बेचनी है। वो आजकल वो वाला पुराना पुरातन सिस्टम नहीं रहा कि किसान जो है कि माल को फेंकता था, अब वो भाव देख के माल को बेचेगा। अगर आप यहाँ पर 100 रुपये तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से किसान माल नहीं लाएगा, वो तभी लाएगा जब उसको बढ़िया भाव कीमत अच्छी मिलेगी। उसके बाद दूसरे ऑप्शन भी हैं, अब जैसे लहसुन है, लहसुन 12,000-15,000 बिक रहा है, उसको खर्चे के लिए माल बेच रहा है तो लहसुन बेच लेगा, चाहेगा तो सरसों बेचेगा, चना बेचेगा, चना बहुत अच्छे भाव 5500 रुपये की चने की पोजीशन है तो चना बेचेगा। तो हर किसान 2-3 तरह की फसलें करता है और उसमें जो बेटर उसको जो रेट मिलते हैं तो उसके हिसाब से वो प्रायोरिटी सेट करके माल को सेल करता है। तो इलेक्शन तो जैसे अप्रैल में ख़त्म हो जाएंगे तो मई में क्या संभावना लग रही भाव कुछ नहीं? इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा स्टॉक लिमिट या स्टॉक को डिक्लेयर करने का, जो भी उनका नोटिफिकेशन है, जैसे कि अभी यूपी में एक चीज़ हुई कि माल का प्रेशर बहुत है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि भाई 2400 से नीचे कोई भी बिलिंग नहीं होगी, यानी कि आप MSP से ऊपर ही माल का व्यापार करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उस कंट्रोल से चीज़ें ज़्यादा ना तो घटेंगी ना बढ़ेंगी, वो एक सिस्टम में चलेंगी, क्योंकि जहाँ वाचफुलनेस रहती है वहाँ व्यापारी भी डर के काम करता है। तो हाईएस्ट क्या लेवल रह सकता है? देखिए गेहूं का जो अभी भाव है 2400 रुपये की एक बेसिक रेंज में मान के चलता हूँ, 2400-2450 के दरमियान ये मीडियम जो माल जिसे कहते हैं हम लोग, एक नॉर्मल क्वालिटी का माल, ये लगातार इस भाव बिकता रहेगा और इससे नीचे नहीं जाएगा। दिवाली पे आते आते आज देखिए कि 6 महीने का जो स्पान है, उस 6 महीने के स्पान में ब्याज भाड़ा, उसका प्रिजर्वेशन, उसकी दवाइयों का, उसको मेंटेन करने का, रखने का खर्चा, वो सब जोड़ते हैं तो करीब 150-200 रुपये हो जाता है। तो अगर वो 2400 का माल अगर वो अप्रैल में नहीं बेचेगा तो वो निश्चित रूप से उसके दिमाग में ये है कि मुझे 2600 रुपये में माल दिवाली के आसपास बेचना है, तो वो तेज़ी नहीं कहलाती है, ये ओवरहेड है उसको चीज़ को मेंटेन करने के। तो आज भी जैसे हाईएस्ट में 2800 रुपये तक बिका है वो कोई क्वालिटी के हिसाब से, कोई उसमें स्पेशल क्वालिटी मोटा कलरदार चमकदार माल है किसी को लेना है तो वो एक आध ट्रोली बिक जाती है। आज 1-1.5 लाख कुंटल की अराइवल में इस तरह के तो 2-500 कुंटल ही माल बिकता है जो 2800-2700 बिकता है, बाकी नॉर्मल रेंज तो 2300 से लेकर 2450-2450 तक की है, तो हम बेसिक उसी को मानेंगे रेट को। चने का क्या रहने का अनुमान है सीजन में? देखिए चने में एक जो अभी तक का जो स्टडी आई है, महाराष्ट्र में क्रॉप कम है, मध्य प्रदेश में भी क्रॉप कम है और राजस्थान में भी बुआई तो ठीक थी पर उतारा बहुत कम है। कैरी ओवर जहाँ पर है वो मजबूत हाथों में पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट की सपोर्ट प्राइस भी लगभग 5500 के आसपास एटे पेटे है और मंडियों में भी 5500 के आसपास बिक रहा है। ये सारा का सारा डिपेंड करेगा इम्पोर्ट पॉलिसी पे। अगर गवर्नमेंट मटर को इम्पोर्ट करती है या मटर इम्पोर्ट को आगे बढ़ाती है तो फिर चने का बाज़ार रुकेगा, और अगर इम्पोर्ट को नहीं छेड़ते हैं तो ये चने कि जिस तरह की डिमांड है उस तरह से ये इसमें 500-800 रुपये कुंटल की तेज़ी आ सकती है इसी महीने में अगले महीने तक अनुमान क्या? ये सब मई के बाद डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है इसमें। अभी तक सब कुछ ये एक लेवल में चलेगा सब कुछ सहज रूप से। अभी तो इलेक्शन माहौल है, अभी सब चीज़ें बिल्कुल सेट हैं, इसमें कोई ज़्यादा उठा पटक होने वाली नहीं है। आप ये मान के चलें जून तक कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद जब उनकी कैबिनेट की मीटिंग्स होंगी, नए अधिकारियों की नियुक्ति होगी, उसके बाद वो तय करेंगे कि हमें अब किस स्ट्रेटेजी पे इसको सिस्टम को ले जाना है। मेरा पर अलग मानना है कि एक जनरल बात बता रहा हूँ, जब गवर्नमेंट इस देश को, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे देश को थर्ड इकोनॉमी बनाने के मूड में है, बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड थर्ड नंबर पे, तो उनको बाज़ारों को रोकना तो नहीं चाहिए, वो रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक माल की स्पीड अप नहीं होगा, उनका सेल नहीं होगा, रोटेशन फास्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी, तब तक वो कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी? ग्रोथ अभी होगी चीज़ जब हम मैक्सिमम आउटपुट लें, और मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए तेज़ी तो आना ज़रूरी है,
बाजारों को आप अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो रोटेशन रोल ओवर जो चीज़ें, हाँ वो एक, वो फिर एक ब्रेक लगता है उसमें। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है जुलाई के बाद, जून के बाद बाजारों में कुछ माहौल ठीक रहे, बाकी तो सब अब समय पर निर्भर करेगा। धन्यवाद अविनाश जी, जो जानकारी आपने दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।